गुरुग्राम में आज दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर ट्रैफिक सामान्य रहेगा। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर पहले सुबह 9 से 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक में फेरबदल की एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने यह साफ किया है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल आज गुरुग्राम में होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं और ट्रैफिक के बारे में भी बता रहे हैं। तो जैसा कि कल गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी इशू करी थी कि ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, ये 15 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो 6 घंटों के लिए बंद किया जाएगा राष्ट्रपति की विजिट के लिए, गुरुग्राम विजिट के लिए। लेकिन उसके बाद कल रात गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी विड्रॉ करी जा चुकी है। इनफैक्ट जो पुलिस चीफ हैं, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने ये भी कहा कि वो एडवाइजरी सीनियर ऑफिशियल से कंसल्टेशन के बिना इशू करी गई थी, तो इसी वजह से वो एडवाइजरी विड्रॉ कर ली गई है। कल देखिए कई रिहर्सल्स भी हुई थी, गुरुग्राम पुलिस काफ़ी घंटों तक रिहर्सल्स करती रही और उसके बाद ही तय हुआ कि जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, जो बाकी दूसरे विकल्प हैं प्रेसिडेंट के मोटरकेड के स्मूथ मूवमेंट के लिए, उनको चुना जाए और ये हाईवे बंद ना किया जाए। क्योंकि देखिए ये बहुत क्रूशल हाईवे है, ये दिल्ली से जयपुर कनेक्ट करता है कई कम्यूटर्स को डेली बेसिस पर, और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट है। तो ये इसीलिए तय किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि ये हाईवे बंद नहीं किया जाएगा। अच्छा देखिए, एक ज़रूरी बात उन्होंने ये भी कही है कि माइनर स्टॉपेजेस होंगे कई की इंटरसेक्शन जो है, वहाँ पर 4-5 मिनट के लिए ट्रैफिक रोकी जा सकती है और ये प्रोटोकॉल है जो प्रेसिडेंट का मोटरकेड जो है जब मूव करता है तो 4-5 मिनट के स्टॉपेजेस और डिलेज होते हैं, तो वो हो सकते हैं। वो पुलिस ने बोला भी है कि की इंटरसेक्शंस पर टीम्स भी डिप्लॉय करी हुई हैं, तो पूरी कोशिश की जा रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि स्मूथ मूवमेंट हो ट्रैफिक का। देखिए कल जब ये एडवाइजरी इशू करी गई थी कि ये हाईवे बंद कर दिया जाएगा 6 घंटे के लिए, तो बहुत इस पर अप्रोर हुआ था, बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि भाई राष्ट्रपति की प्राइवेट विजिट के लिए एक हाईवे जो इतना इम्पोर्टेंट हाईवे है वो 6 घंटे के लिए बंद किया जा रहा है। तो उसके बाद देखिए वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि वो एडवाइजरी जो पहले थी वो विड्रॉ कर ली गई है, स्मूथ मूवमेंट होगा पूरा ट्रैफिक का, कई जगहों पर स्टॉपेजेस और डिलेज हो सकते हैं। तो जो लोग दिल्ली से जयपुर ट्रैवल करें, जयपुर से दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं, बस ये दिमाग में रखें कि देखिए आपको 10-15 मिनट के डिले हो सकता है, लेकिन कोई मेजर रिस्ट्रिक्शंस इस हाईवे पर नहीं किए जा रहे हैं।